तो अभी हमारी बात हुई थी थीम्स के ऊपर। थीम्स के बाद एक और अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है लैंग्वेजेस का। ASP.NET के अंदर जो है वो हमारे पास ये फीचर है कि हम अपनी वेबसाइट को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो बना सकते हैं। असल में इसमें मकसद ये है, देखें कि जो वेबसाइट होती है उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं होती कि वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन में ही या किसी जगह पे यूज़ होगी, बल्कि वेबसाइट को तो कोई भी कहीं से भी एक्सेस करके देख सकता है। तो अब हमें ये देखना होता है कि हमारी जो वेबसाइट है जिस बिज़नेस के लिए हमने बनाई है वो उसका स्कोप क्या है। क्या वो एक मल्टीनेशनल बिज़नेस है या वो सिंपली जो है वो किसी इलाके तक महदूद है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पर फीचर हमारे पास यहाँ मौजूद है जिसकी मदद से हम एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये जहन में हमें रखना चाहिए कि ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात है तो डेवलपमेंट और सारी चीज़ें वही हमारी वही इंग्लिश ही है। सिर्फ जो टेक्स्ट नज़र आएगा वेब पेज के ऊपर वो सिर्फ चेंज होता है, ठीक है, बाकी इंटरनल चीज़ें सारी वही हैं जिस तरीके से हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ अच्छा, इसको दो पार्ट्स में हम करेंगे। एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है लोकलाइजेशन और दूसरी चीज़ होती है ग्लोबलाइजेशन। तो पहले लोकलाइजेशन देख लेते हैं। लोकलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन समझने से पहले ये जहन में रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज़ XP के ज़माने से बेतहाशा लैंग्वेजेस की सपोर्ट मौजूद है और वो बड़ी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंट्रोल पैनल में जाएं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आते हैं जिनकी मदद से आप इंग्लिश और उर्दू और तमाम लैंग्वेजेस हम बड़ी आसानी से, जैसे यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है इंग्लिश और उर्दू। अब मैं उर्दू यहाँ सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर जो है वो एक वेब पेज ऐड करूँ default.spx और उसके अंदर जो है वो उर्दू में लिखना शुरू कर दूँ, ये उर्दू में लिख लेगा, ठीक। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि लिख क्या रहे हैं हम, ये असल में चीज़ है, कॉन्सेप्ट। तो लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि वेब पेज जहाँ खुल रहा है वहाँ के हिसाब से खुले, ठीक है। तो देखें default.spx का ये पेज है और इसके अंदर मैं टूल बॉक्स के अंदर से एक बटन और एक लेबल ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये एक बटन आ गया और एक लेबल है। बटन का नाम बटन 1 है, आईडी इसकी और लेबल की लेबल 1 है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ सेट करूँगा। सबसे ऊपर जो है प्रॉपर्टीज़ कुछ सेट करूँगा। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कल्चर, एक होती है जनाब कल्चर। कल्चर मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ EN-US और एक होती है जनाब UI कल्चर, ये मैं सेट कर रहा हूँ ऑटो कोलन EN-US। ये ऑटो कोलन EN-US का मतलब ये है कि जो सेट की जाएगी वो होगी, लेकिन अगर कोई ना मिले तो EN-US। EN-US का मतलब है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर होती हैं और हर एक लैंग्वेज का कोड है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसके अंदर अगर आप जाएंगे ना तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स में, इंटरनेट ऑप्शंस में आपको ऑप्शन नज़र आएगा लैंग्वेजेस का। अच्छा, फिर ये Windows 10 है तो यहाँ पर ये ऑप्शन अब नहीं रहे, तो देखिए ये सारी लैंग्वेजेस जो है ना यहाँ पर इनकी सपोर्ट मौजूद है। इन सब लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश अभी डिफ़ॉल्ट है, आप उर्दू प्रेफर्ड कर सकते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट सपोर्ट यहाँ मौजूद है, कीवर्ड उनके मौजूद हैं। अच्छा, फिर बटन जो है इसमें मैं जाके लिख रहा हूँ मेटा रिसोर्स
इक्वल्स टू बटन वन, ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको। और लेबल में जाके मैं लिख रहा हूँ मेटा रिसोर्स की इक्वल्स टू लेबल वन। तो मेटा रिसोर्स की बटन वन और मेटा रिसोर्स की लेबल वन, ये मैंने किया ये है कि इस बटन को रिसोर्स फाइल में मैं बटन वन के नाम से एक्सेस करूँगा और इस लेबल को रिसोर्स फाइल में मैं लेबल वन के नाम से एक्सेस करूँगा, ठीक है। अच्छा फिर मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर राइट क्लिक करके एड एस पी डॉट नेट फोल्डर में जाके, अब मैं देखें एक और फोल्डर ऐड करवा रहा हूँ ऐप अंडर स्कोर लोकल रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे हमने थीम ऐड करवाई थी। तो ये स्पेशल डेडिकेटेड फोल्डर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इनके अपने मकसद हैं हर एक के। तो लोकल रिसोर्स मैंने यहाँ पर ऐड करवा लिया, ठीक है। फिर लोकल रिसोर्स पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ ऐड ऐड न्यू आइटम और यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ रिसोर्स फाइल, ठीक है। अच्छा रिसोर्स फाइल का जो नाम है वो है रिसोर्स डॉट आर एस एक्स। इसका नाम जो है ना उसमें असल में लोकलाइजेशन के ट्रिक है। यहाँ पे आप लिखेंगे डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स डॉट आर एस एक्स, इसलिए कि आपके पेज का नाम क्या है डिफॉल्ट डॉट एस पी एक्स। अगर पेज का नाम होता होम डॉट एस पी एक्स तो आप लिखते हो होम डॉट एस पी एक्स डॉट आर एस एक्स। इसका मतलब है कि हर पेज की अपनी रिसोर्स फाइल होगी, ठीक है। अच्छा रिसोर्स फाइल क्या होती है जी, रिसोर्स फाइल होती है एक अदद XML फाइल, और क्योंकि XML देख के लोगों की जान निकल जाती है, हालांकि उसमें होता कुछ नहीं है लेकिन क्योंकि लोगों की जान निकल जाती है लिहाजा इन्होंने मजीद ये कर दिया कि आपको जो है वो एक इंटरफेस ऐसा दिखा दिया, नेम वैल्यू पेयर आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन वन डॉट टेक्स्ट और इसमें मैंने लिख दिया दिस इज अ बटन। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ लेबल वन डॉट टेक्स्ट दिस इज अ लेबल। फिर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बटन वन डॉट बैक कलर, ये आपने दे दिया जनाब ब्लू, और बटन वन डॉट फॉर कलर ये आपने दे दिया वाइट। ओहो और लेबल वन डॉट बैक कलर ये भी आप ब्लू कर, और लेबल वन डॉट फॉर कलर आप दे दें वाइट, ठीक है। अच्छा फिर डिफॉल्ट और डेस्ट पे इसके इस पेज को मैं रन कर देता हूँ। अच्छा एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि ये जो हमने रिसोर्स फाइल बनाई है ना ये फॉर इंग्लिश है, ठीक है। देखें बटन पे लिखा हुआ है दिस इज अ बटन और लेबल पे लिखा हुआ है दिस इज अ, ठीक है। तो ये जो बटन का टेक्स्ट, बटन का कलर, लेबल का टेक्स्ट, लेबल का कलर उठ के आ रहा है कहाँ से आ रहा है, रिसोर्स फाइल से। अगर आप रिसोर्स फाइल चेंज कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो अब मैं रिसोर्स फाइल ऐड कर रहा हूँ फॉर उर्दू, और कैसे कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन को मैंने स्टॉप किया, यहाँ से कॉपी किया पेस्ट किया, और ये जो नई रिसोर्स फाइल है इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ डिफॉल्ट डॉट एस पी एक्स डॉट यू आर डॉट आर एस एक्स। यू आर जो है वो उर्दू का कोड है, एक है यू आर और एक है यू आर डैश पी के, उर्दू उर्दू यूनाइट उर्दू पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरीके से एक सिंपल उर्दू है, ठीक है। तो अब इसमें जो है उर्दू के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा उर्दू में आप चाहें तो लिख सकते हैं उर्दू, अगर आपको उर्दू टाइपिंग आती है तो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये एक बटन है, ठीक है, और इसको आप लिख दें ये एक लेबल को क्या कहेंगे, लेबल ही कहेंगे, लेबल
बी शिफ्ट डी एन बटन। नहीं, वो खैर चले छोड़ दें, वो मैंने अपने कीबोर्ड के साथ कुछ कारस्तानियाँ की हैं। ठीक। अच्छा, अब और यहाँ पे कलर भी चेंज कर दें। ओ सॉरी, ये आप उर्दू में नहीं दे सकते, ये आपको लिखना पड़ेगा ग्रीन। जी वो चलेगा नहीं, यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप उर्दू आएगी कैसे, ये एक अच्छा सवाल है। जी नहीं, आएगी तो लेफ्ट पे, वो तो आपको स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ेगी, सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा, ये जहन में रख लें। अगर आप चाहते हैं कि चेंज हो तो फिर आपको पूरी थीम चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, आप देखें क्या है कि मैं यहाँ पर जो है वो दोबारा से इसको रन कर देता हूँ, तो अभी भी ये जो रिसोर्स फाइल उठाएगा ना, वो इंग्लिश ही उठाएगा। ठीक है, रिसोर्स फाइल बेशक मैंने उर्दू ऐड कर दी है, लेकिन ये जो ब्राउज़र है ना, अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएं, तो सेटिंग्स में जो है वो आपको ब्राउज़र की सेटिंग्स में ऑप्शन नज़र आएगा लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग, इसमें देखें उर्दू भी है, तो उर्दू को अगर मैं ऊपर कर दूं, ठीक है, और फिर पेज को रिफ्रेश करूं, तो उर्दू यहाँ आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, ये एक जो है वो गलत है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। अच्छा, इसका जो है ना, अब दूसरी लैंग्वेजेस में जाके हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसका एक आसान सा तरीका है, ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट कॉम जो है वो हर तरह की लैंग्वेजेस जो है वो करता है, और ये अच्छी बात ये है कि ये कंपाइलर बेस्ड ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज़ अ बटन, अब यहाँ पे तो इंग्लिश है, अच्छा, अब ये एक बटन है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से यार ये बड़े मसले हैं भारत, और ये दिस इज़ अ लेबल, ये आपको कभी बनानी पड़ गई ना कोई एप्लीकेशन, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितने मसले हैं। असल में ये अंग्रेज़ लोग बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, तुम लोगों का खुद का काम है, अब हम में से कौन करेगा, हमारे पास टाइम नहीं है फेसबुक के अलावा कुछ। अच्छा, आप देखें अब यहाँ पर जो है वो आपको उर्दू नज़र आएगी। अच्छा, अब क्योंकि अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, और ज़ाहिर है सवाल आप लोग तो करेंगे नहीं, मैं ही करूँगा और मैं ही जवाब दूंगा। सवाल यहाँ पे उठता ही है कि भाई कौन सा यूज़र जो है उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ब्राउज़र की सेटिंग में जाके लैंग्वेज चेंज करें। ठीक है, कोई भी नहीं है ना, तो फिर हमारा पेज तो कभी भी उर्दू में नज़र नहीं आएगा, वो तो हमेशा इंग्लिश में ही नज़र आएगा। ड्रॉप डाउन पे हम आएंगे ग्लोबलाइजेशन में, अभी हम बात कर रहे हैं लोकलाइजेशन पे, ये क्या है। अच्छा, अभी इसी बात को समझ लें, असल में बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना लोकलाइजेशन का, इसमें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि यूज़र जाके ब्राउज़र की लैंग्वेज चेंज करेगा। इसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है, एक ओवरऑल ह्यूमन नेचर को पूरी दुनिया में उन्होंने वॉच किया, तो उनको अंदाज़ा ये हुआ कि जब फ्रांस में कोई बंदा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल करता है, तो वो कल्चर क्या सेलेक्ट करता है, फ्रेंच, तो उसके पास जो सेटिंग बनती है उसमें ब्राउज़र की प्रेफर्ड लैंग्वेज फ्रेंच हो जाती है। इटली में कोई बंदा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है, वो कल्चर क्या सेलेक्ट करता है, इटालियन।
तो उसकी सेटिंग के हिसाब से ब्राउजर की प्रेफर्ड लैंग्वेज इटालियन हो जाती है। चाइना में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है, वो सिलेक्ट क्या करता है? चाइनीज़। तो उसकी इस ब्राउज़र की सेटिंग हो जाती है चाइनीज़। इसी तरीके से इंग्लैंड में कोई करता है तो वो इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम कर देता है, उसकी सेटिंग उसके हिसाब से हो जाती है। अरब कंट्रीज़ में अरबिक ले लेते हैं वो। अब उनको नहीं पता ना कि पाकिस्तान में कोई सिलेक्ट करता है तो वो पहले इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करता है, वरना उनके जहन में यही कि ये सिलेक्ट क्या करेंगे? उर्दू। लेकिन हम करते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। तो ये बेसिकली बात ये है, ठीक है। यानी उनका, उनके जहन में बात ये है कि भाई जो जहाँ होगा वो ज़ाहिर अपने कल्चर को पसंद करेगा, है ना, ठीक है। अब उन्हें क्या पता कि यहाँ तो मामला ही कुछ और है। अंग्रेज आए थे, अपना काम करके चले गए, आज भी उनकी बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर बड़ी बिकती हैं, उनका मसला हल हो गया। खैर भारत एक लंबी बहस है। तो मैं ये कह रहा था कि ये मकसद है इसका कि जहाँ पर वेबसाइट खुले वहाँ के हिसाब से खुद ब खुद ही रिसोर्स साइट सेलेक्ट हो जाए। अब इसमें दो बातें देखें, इसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा। एक होती है URL rewriting। URL rewriting ये है कि गूगल खोला और खुल गया google.com.pk, वही पेज गूगल खोला आपने इंडिया में तो वो खुल गया google.com.in, ठीक है, ये अलग चीज़ है, सही। यहाँ पे पेज वही खुल रहा है लेकिन बेस्ड ऑन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज रिसोर्स फाइल डिफरेंट उठ रही है, ठीक है। तो अब आपने रिसोर्स फाइल अरबी की भी ऐड करी हुई है, इटली की भी ऐड करी हुई है, फ्रेंच भी ऐड करी हुई है। तो अगर आपने फ्रांस में जाके पेज खोला तो वहाँ पे ब्राउज़र की जाहिर से बात है सेटिंग होगी फ्रेंच, तो पेज खुल जाएगा फ्रेंच में। समझ में आ रही बात? अब जैसे हम यहाँ पर रिसोर्स फाइलें कुछ मज़ीद ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो अरबिक की ऐड कर लेते हैं। तो अरबिक जो है उसकी जो एक्सटेंशन है वो है AR, अरबिक की एक्सटेंशन क्या है AR। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं अरबिक में। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी आपने? ये बहुत से लोगों को पता नहीं है ना। पर चले कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, क्या करें। चले अब ये कब रिसोर्स फाइल उठेगी है? हाँ, जब ब्राउजर की प्रेफर्ड लैंग्वेज अरबिक होगी तो, ठीक है। और हमारी ये लोकलाइजेशन, यानी लोकेल के हिसाब से। अब लोकेल ज़ाहिर है वो एक तरीका तो ये है कि भाई जिस जगह पेज खुल रहा है वो जगह देखो, लेकिन उन्होंने आसान तरीका ये सोचा कि भाई हो सकता है कि कोई इंग्लिश मैन पाकिस्तान में आके वेबसाइट खोले, अब उसके सामने उर्दू में खुल गई तो वो तो परेशान हो जाएगा, यहाँ तो हमारे सामने उर्दू में खुल गई तो हम परेशान हो जाएंगे। लिहाजा ये कि जो उसने अपने सिस्टम में ब्राउज़र में सेटिंग करी हुई है उसके हिसाब से, और ये तमाम लैंग्वेजेस की सपोर्ट आपके ब्राउज़र में मौजूद है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, इन सब में आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, सही है। तो इसमें जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि कुछ चीज़ें जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि रिसोर्स की डिफाइन करनी है। अच्छा, अब इसमें कोई पैराग्राफ है मिसाल के तौर पे, तो आपने पैराग्राफ के हर सेंटेंस का, हर वर्ड का अलग अलग तर्जुमा नहीं करना, मर जाएंगे आप। पूरा पूरा पैराग्राफ का एक साथ ट्रांसलेशन पूरी एक साथ रखनी है। अब डिव में दिखा रहे हैं तो अब डिव में क्या करेंगे भाई,
तो डिफ का तरीका ये कि या तो उसकी आईडी डिफाइन करें, उसको रन एट सर्वर करें, या डिफ में लेबल रख लें, ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये काम आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा, बाकी हर चीज़, हर बाकी हिसाब किताब वैसे का वैसे ही रहेगा। ये है लोकलाइज। जी क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलें। उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। जितना आसानी से यहाँ हो रहा है ना, वैसे नहीं होगा, ठीक है। और वैसे करने में प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको बताया ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं सऊदी अरब गया, वहाँ मैंने वेबसाइट खोली, अब वो अरबी में आ रही है, मैं परेशान हूँ भाई, क्या करूँ, समझ में आ रही बात। क्योंकि वो तो जब भी उस आईपी के हिसाब से देखेगा लोकेशन, तो उसको नजर आएगा सऊदी अरब, वो अरबी में खोल देगा, अब मैं अरबी कैसे पढ़ूँ भाई, समझ में आ रही बात। तो मेरे लैपटॉप में तो वो लैंग्वेज होनी चाहिए ना जो मैंने सेट करी है, चाहे कहीं भी खोलूं। हाँ, मतलब ये कि जो ब्राउजर की सेटिंग है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग है, वही खुले, सही, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब होता ये है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हो ना, तो वो पूछता है आपका कल्चर क्या है, तो उस वक्त आपने जो कल्चर सेट कर दिया, वो आपके ब्राउजर का कल्चर सेट हो जाएगा। बाद में आप जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर यूजर नहीं करेगा, ठीक है। तो अपनी टेस्टिंग के लिए आप ब्राउजर में जाके चेंज करके चेक कर लें, तो आपको अंदाजा इसका हो जाएगा कि इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। हाँ, उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, उन्होंने रिसोर्स फाइल ही नहीं दी, वो मतलब उसमें लैंग्वेजेस का ऑप्शन ही नहीं है ना। अब एक वेबसाइट इंग्लिश में है, वो हर जगह इंग्लिश में ही खुल रही है, तो इसका मतलब उसमें उन्होंने कोई सपोर्ट दी नहीं है, ठीक है। असल में बात ये है ना कि बिजनेस पर बात है, चाइना का बिजनेसमैन जो है उसके लिए चाइनीज ही इतने ज़्यादा कस्टमर हैं, उसको किसी और की टेंशन ही नहीं है ना। हमारा छोटा मुन्ना सब होता है, तो हम चाह रहे होते हैं कि मल्टीनेशनल हो, लोग और भी आए, सही। चाइना में असल में सिनेरियो डिफरेंट है।